lurking, I'll be lurking, I'ma hurt him. And all these bridges that I'm building, I'ma burn him. हेलो गाइस, स्वागत है तुम्हारा आज किसी एक और न्यू BGMI की गेम प्ले वीडियो में। और आज आ चुके हैं भाई दोबारा से मिलिट्री बेस। अब देखो, मिलिट्री बेस है एक ऐसी जगह है जहाँ पे बंदे बहुत सारे आते हैं और भाई तुम्हें यहाँ पे किल्स की कमी पड़ने नहीं वाली। तो अभी हम यहाँ पे उतरे हुए थे साइड में, ठीक है। यहाँ पे मुझे गन मिली और बन दे साइड में। अब देखना इस बंदे को फिर शॉटगन मिली थी। और यार इस वाले बंदे के आगे तो पता नहीं मैंने कैसा मुरझरा सा कर दिया एक तरीके से, मतलब वो पीक वगैरह अटक गई थी, क्राउच वगैरह कर रहा था तुम्हें। और यहाँ पे आज तुम्हारे भाई ने एक नई पावर ली है, ये वाली। अब यार ये वाली पावर भाई बहुत ज़्यादा सही है। एक तो इससे स्पीड वगैरह बढ़ जाती है, मतलब जब तुम वो स्पीड वाला बूस्ट मारते हो, और उसके बाद तुम एक केज बना सकते हो गोला सा भाई, उसके अंदर तुम्हें कम बुलेट पड़ेगी, मतलब उसमें बहुत कम डैमेज होता है जितना मैंने ऑब्जर्व करा है। और यार ये वाली पावर इतनी ज़्यादा अनरेटेड क्यों है मुझे ये नहीं पता भाई। ये वाली पावर बहुत ज़्यादा बेस्ट है, मतलब वो थी ना दीवार वाली, उससे बाद अगर मैं कोई अच्छी पावर बताऊँगा तो भाई ये वाली होगी वो, क्योंकि ये वाली पावर मतलब रूनिक पावर मोड में बेस्ट है। देखना तुम आगे। घर में भी बना सकते हैं। अभी फिलहाल एक बंदे को सामने नोक करा मैंने, कुछ थोड़े बल्स भी फेंक दिए थे पर उससे तो कोई बंदा नोक नहीं हुआ। पर अभी फिलहाल वहां पे नोकते बंदे, तो मैंने एक नेड और फेंका। मैंने कहा भाई शायद से इस वाले नेड में कोई नोक हो जाए, पर इसमें भी कोई नोक नहीं हुआ। तो बस मेरे पास एक ही चांस था, जाके मारना। अब देखो भाई बंदे इतने ज़्यादा हरामी हो चुके हैं ना भाई, रूनिक पो मोड में भी कैंप करते हैं, मतलब इसमें कैंप करने की भाई कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि इसमें तुम्हारे स्टैट्स माइनस नहीं होते, तुम्हारा KD वगैरह माइनस नहीं होता, लीक भी नहीं बढ़ती। और कुछ हरामी लोग तो भाई इसमें हैक लगा के आते हैं, मतलब यार कुछ तो शर्म करो भाई। अभी फिलहाल जितने बंदे थे इधर की तरफ हमने मार दिए थे, पर एक बंदे की और फुटस्टेप आ रहे थे और भाई वो हमारे ऊपर पुश भी कर रहा था। तो फिलहाल इस वाले बंदे को मारा, तुम सोचोगे कि मैं बार बार ये पेटी क्यों खोल रहा था, मुझे ये आउटफिट सही सी लग रही थी, फिर मैंने पहनी तो भाई बहुत बेकार लगी, तो मैंने कच्छा ही पहन लिया। ये वाला ये रवि का कच्छा है, अपन ने चुराया था। अब यार देखो फिलहाल इधर कुछ बंदे होते हैं दो, ठीक है। हमने सोचा कि इन वाले बंदों को मारते हैं, चलो चल के। जैसे हम सारे बंदों को मार रहे थे, मैंने जैसे ही स्प्रे दिया भाई बंदा थोड़ी सी पीक दे रहा था, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। और यार ऐसे हम ऊपर में जा भी नहीं सकते थे, तो मैंने थोड़ा सा स्प्रे वगैरह दिया। और उसके बाद जब मैं देखता हूँ ये बंदे भाई जंप कर रहे हैं, तो हम इन बंदों से डायरेक्ट सीधा मीटअप कर लेते हैं। अब यार देखो ये जो कच्छे वाला बंदा दिख रहा होगा तुम्हें मेरे सामने, बिल्कुल इसने भी कच्छा पहन रखा है, मैंने भी। और यहाँ पे मुझे लग रहा था भाई बंदूकबाज का सब्सक्राइबर होगा, क्योंकि बंदूकबाज ऐसा सेम आउटफिट पहनता है अगर तुम्हें याद हो तो। देखो वैसे इन्हें यकीन भी नहीं हो रहा था कि मैं असली लेजेंड एक्स हूँ, और भाई मैंने इन्हें एक आधा बंदा मार के दिखाया तो मतलब इन्हें यकीन हो गया, क्योंकि पहले मेरे नाम में लेजेंड एक्स होता तो मैंने इसे एक्स कर दिया चेंज करके, क्योंकि लेजेंड एक्स को पता बंदे XD पढ़ लेते थे भाई, यार मतलब बहुत ज़्यादा खराब लगता था जब लोग कहते थे लेजेंड XD इधर आ जा तुझे बताएंगे, मतलब ठीक है भाई लेजेंड XD को बता दो, पर वो XD नहीं था, वो XO था। अब फिलहाल देखो बारी थी यहाँ से निकलने की, क्योंकि मिलिट्री बेस में जितने के जितने बंदे थे सबको हमने मार दिया आराम से। और भाई बंदे मारने के बाद अपना यही काम होता है कि सीधा गाड़ी उठाओ और निकलो। तो यहाँ पे मुझे और मेरे टीममेट को एक बग्गी मिलती है, हम ये वाली बग्गी उठाते हैं और सीधा जाते हैं गाड़ी ढूंढने, क्योंकि अभी हमारा एक टीममेट बच गया था जिसको कि हमें लेना था, ठीक है। अब जैसे ही हम बग्गी उठा के भाई बाहर गए सीधा, मतलब यहाँ से गाड़ी ढूंढने, तभी एक बंदा आया बग्गी लेके, मेरे टीममेट को गाड़ी मिल गई थी, और भाई ये बंदा बग्गी लेके हमारे सामने से भागने लगा। और हमने इस बंदे को इतनी दूर तक चेस करा, तुम देखना तुम कहोगे कि भाई उसे छोड़ ही देते गरीब को, भाई कहाँ तक भगाया मैंने उसे।
बस यार यहाँ पे तुम ये देखते रहना कि वो बंदा कितनी ऊपर तक चला जाएगा। और मुझे नहीं पता यार वो डर क्यों रहा था इतना, और रूनिक पावर मोड में बंदे इतना डर डर के क्यों भागते हैं। भाई पूरा एग्रेसिव खेला करो इसमें, क्योंकि इसमें लीग वगैरह नहीं कम होती और इसमें तुम्हारी गन फाइट इंप्रूव होगी अगर तुम एग्रेसिव खेलोगे। बट भाग भाग के मत खेला करो। अब यार तुम देखो ये बंदा कितनी दूर से कितनी दूर तक ले आया, और अभी भी ये मुझे ऊपर तक ले जाएगा, जो सबसे ऊपर होती है ना चोटी तक लेके चला जाएगा। अब यार देखो ये बंदा मुझे चोटी तक ले आया था, और अब मुझे पता था कि इस बंदे को कैसे मारना है, और भाई मैं इसका किल लिए बिना यहाँ से जाऊँगा ही नहीं, क्योंकि इतने मुझे इतनी दूर से भगाया। देख रहे तुम कहाँ से आ रहा मैं, मिलिट्री बेस से भागा भागा आ रहा मैं इस बंदे के पीछे। अभी थोड़ा सा मैंने बूस्टर वगैरह मारा और फिर मेरे पास थी एक ये खतरनाक चीज़ ग्रेनेड, सीधा डाला ऊपर। और यार वो बंदा पता नहीं बिल्कुल डायरेक्ट नेड में ही फट गया मेरे, बिल्कुल ऊपर ही बैठा हुआ था, क्योंकि हमारे आगे ही चढ़ रहा था, वो वॉल वाली पावर थी उसके ऊपर, वॉल वगैरह बना के चढ़ रहा था, तो आराम से मार दिया इसको। तो अब जब हमें कहीं दोबारा से बंदे नहीं मिलते तो हम दोबारा से जाते हैं भाई वहीं पे जहाँ से हम अभी आए थे, मिलिट्री बेस। और मतलब कहाँ ही जाएंगे हम, ठीक है, मिलिट्री बेस जैसे ही हम आए यहाँ पे हमें और बंदे दिखे। अब इधर जो है मीटअप वाले बंदे तो यहाँ से भाग चुके थे, क्योंकि हमने उन्हें कह दिया था कि चले जाओ लास्ट के जोन में मिलेंगे, पर यहाँ पे और दो बंदे आ चुके थे जो बिल्कुल न्यू थे, और भाई वो मीटअप वाले भी नहीं थे, क्योंकि मीटअप वालों की तुम पीछे वीडियो करके आउटफिट भी देख सकते हो, उनकी आउटफिट अलग थी, इनकी आउटफिट अलग थी पूरी, और ये फाइट ले रहे थे। अब यार एक बंदा तो इधर ही होता है, और देखना कैसे भरा इसको। ये वाले बंदे को मैंने नॉक करा, उसके बाद तुरंत फिनिश कर दिया, क्योंकि मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, ठीक है। इस वाले बंदे को मारा, बारी थी इसके ऊपर वाले बंदे की, और भाई ये बंदा तो क्या ही बुद्धू बंदा था, मतलब पता नहीं क्या है, किसी चीज़ का इंतजार कर रहा था। मैं आया ऊपर से आराम से मारा, और भाई ऐसे मुँह दिखा रहा था ना, ये मुझे देखना, तुम खुद देखना। नहीं मुझे ये नहीं पता ये बंदा करना क्या चाह रहा था, सीरियसली गाइस। अभी फिलहाल इस बंदे को मारा तो इसकी सारी की सारी लूट ली, और भाई यहाँ पे 16 किल हो चुके थे, मतलब देखते ही देखते इस वाले मैच में आराम से 16 किल करे। उसके बाद हम चले गए ब्रिज कैंप करने, पर यार हमें पता था कि ब्रिज कैंप ऑलरेडी हो रहा होगा, और यहाँ पे जैसी मुझे वॉल दिखाई दी मैंने अपनी गाड़ी सबसे पहले ऊपर लगाई। अब देखो मेरे दिमाग में क्या चीज़ आई कि हाँ जो बंदे ब्रिज कैंप कर रहे हैं उनको पीछे से जाके मारता हूँ जल्दी से जल्दी, क्योंकि भाई गाड़ी मैंने पीछे खड़ी कर दी थी, वो ब्रिज कैंप करते रहेंगे, उन्हें पता नहीं लगेगा पीछे से कौन आया। पर यार ऐसा मैंने सोचा ही सोचा था, मतलब उस वाले बंदे को एक तरीके से पता लग ही गया था हाँ पीछे से बंदे आ चुके हैं। ठीक है भाई, पर हाँ फिर भी जैसे ही ये बंदा मेरी तरफ देखता है मैं इसे नोक करके तुरंत के तुरंत फिनिश कर देता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था ना स्टार्टिंग में ये केज वाली पावर बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसमें तुम्हें कम बुलेट रजिस्टर होती है अगर तुम इस केज के अंदर रहते हो, तो मुझे ये सही लगी। अभी एक बंदा इधर भी था, पहले मैंने थोड़ी मोली वगैरह और ग्रेनेड्स वगैरह जो थे मैंने सब कुछ फेंक दिया, पर यार वो इस वाले रिच के पास था ही नहीं, वो बहुत पीछे पड़ा हुआ था। अभी देखो चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ चल के। और यार देखो इस वाली टीम को भी हमने आराम से मार दिया, कोई ज़्यादा दिक्कत तो आई नहीं इन वाले बंदों को भी मारने में। अब चाहिए था तुम्हारे भाई को सिर्फ चिकन डिनर, क्योंकि भाई 18 किलो हो चुके थे, और ब्रिज कैंप भी हमने मतलब तोड़ ही दिया एक तरीके से उन बंदों का। अब हम करेंगे ब्रिज कैंप जाके, क्योंकि भाई हमने ये वाला ब्रिज उनसे जीता है, उन्हें फाइट हरा के, मतलब ऐसे नहीं तुम कह सकते कि हमने उन्हें मतलब कह दिया कि भैया हमारे साथ मीटअप कर लो, मीटअप तो हमने करा भी नहीं उनके साथ। अब देखो दो बंदे आ रहे थे सामने से, मैंने एक बंदे की गाड़ी पे स्प्रे दिया और इस बंदे को तो मैं नॉक करने की कोशिश पूरा कर रहा था, पर दूसरा वाला बंदा नॉक हो गया।
पहले मैं जो है गाड़ी वाले को मारने की कोशिश कर रहा था, पर गाड़ी वाला तो मारा नहीं, उसका टीममेट मर गया। मैंने गाड़ी भी फोड़ दी थी ताकि वो बंदा कहीं जा ना पाए, और मुझे पता था ये बंदा इसको मतलब रिवाइव देने तो जाएगा ही। तो मैंने थोड़ी थोड़ी बुलेट्स मारी, नीचे से दिख रहा था वो थोड़ा सा। इतने वो स्मोक करता है और मैं पीछे अपनी गाड़ी उठाने जाता हूँ, मैंने कहा जल्दी चलो जल्दी जल्दी इसे मारते हैं जाके, क्योंकि भाई वो बंदा रिवाइव ना कर दे। उतने में ही भाई मतलब मेरा किल आ जाता है, मैंने कहा ठीक है अब नहीं जा रहे, अब मेरा किल आ गया, बस अभी यहीं पर रुक जाओ, कोई जाने की जरूरत ही नहीं है भाई। क्योंकि पहले तो उन बंदों पे मैं पुश इसलिए कर रहा था भाई, तब मेरा किल फंसा हुआ था वहाँ पर, जब मुझे पता लगा ये वाला बंदा जोन वगैरह में मर जाएगा, एक बंदा मैंने मार ही दिया, इसका एक किल मिल गया, चलो अब यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि भाई ब्रिज पर भी जोन आ चुका था और डैमेज मतलब खतरनाक दे रहा था, लास्ट जोन था। तो अब जो है हम यहाँ से भी निकल जाते हैं आराम से, और अभी बच रहा था सिर्फ एक बंदा, क्योंकि ये ब्रिज वाला बंदा है जो, ये तो भाई जोन में ही मर जाएगा, फिर उसके बाद बच रहा था एक बंदा। और यार ये बंदे के तो आगे मतलब क्या ही गाड़ी स्लिप हुई, देखना वेस्ट कितनी डैमेज है मेरी लेवल 3 की, बिल्कुल थोड़ी सी हेल्थ है और यहाँ पे गाड़ी स्लिप हुई और भाई। पर हाँ मैंने इस वाले बंदे को 1 HP कर दिया था, तो टीममेट था पीछे से, और एक इजी चिकन डिनर हो गया इस वाले मैच में। अब फिलहाल हमने गाड़ी उठाई और तुम्हारा भाई ले गया इस वाली गाड़ी को बिल्कुल रोड पे। तो यही था आज की इस वाली गेम प्ले वीडियो में, होप सो तुम्हें गेम प्ले वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो बेस्ट मोमेंट बताना अपना कमेंट सेक्शन में। मैं मिलता हूं तुम्हारे से किसी एक वीडियो में किसी एक गेम प्ले के साथ, तब तक के लिए ये रहा मेरा इंस्टाग्राम तुम्हारी स्क्रीन पे, यहां पे आके तुम मुझे फॉलो कर सकते हो। तो गाइस मिलते हैं ऐसी किसी एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।